नमस्ते, मैं ललिता खबर लहरिया से। सुनते हैं आज 9 अप्रैल की दिन भर की मुख्य खबरें। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के चांदपुर, हरबंस, गंजा व मलिकपुर गांव के मतदाताओं ने किसी भी प्रत्याशी को वोट न देने का फैसला किया है। उनका कहना है कि इस चुनाव में वो नोटा का प्रयोग करेंगे। सीआरपीएफ कैंप के लिए जमीन दिए जाने से स्थानीय ग्रामीण परेशान हैं। गर्मी शुरू होते ही पानी की समस्या शुरू हो गई है। बांदा जिले के पलरा ग्राम पंचायत में लगे कई हैंडपंप महीनों से सूखे पड़े हैं। अधिकारियों को शिकायत के बाद भी नहीं बनाए गए हैं, जिससे लोगों को कड़ी धूप में अन्य गांव में पानी लेने जाना पड़ता है। टीकमगढ़ जिले के हीरा नगर तिगेला से बजरुआ तक की 3 किलोमीटर की सड़क पिछले 5 वर्षों से टूटी पड़ी हुई है। कच्ची सड़क होने के कारण बरसात के दिनों में सड़क पर पानी भरा रहता है तो वाहन भी नहीं निकल पाते, पैदल निकलना तो दूर की बात है। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के जिला अस्पताल में आतंकवादियों ने मंगलवार को फायरिंग कर दी। इसमें आरएसएस नेता चंद्रकांत शर्मा और उनके निजी गार्ड की मौत हो गई। शर्मा संघ से जुड़े थे और किश्तवाड़ के जिला अस्पताल में बतौर मेडिकल असिस्टेंट कार्यरत थे। समाचार एजेंसी एएनआई को दिए गए साक्षात्कार में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी के खाते में 15 लाख रुपए भेजने का वादा नहीं किया। कभी नहीं कहा कि लोगों के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए भेजे जाएंगे। ये हमारी सरकार थी जिसने ब्लैक मनी की जांच के खिलाफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया। पाकिस्तान में महिला अधिकारों को लेकर निकाले गए एक मार्च और उसमें दिखाए गए पोस्टर को लेकर हंगामा मच गया है। प्रदर्शन आयोजित करने वाली महिलाओं को रेप की धमकियां दी जा रही हैं और कुछ स्त्रीवाद महिलाएं भी इसके खिलाफ आ गई हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जो सबसे अधिक वायरल हो रहा है, उसमें एक लड़की को पैर फैलाकर बैठी हुई दिखाया गया है। इस पोस्टर को कराची में पढ़ाई करने वाली छात्राएं रूमिशा लखानी और रसीदा सब्बीर हुसैन ने तैयार किया था। अत्याधुनिक सुविधाओं के नाम पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए कुछ दिन पहले ही शुरू हुए नए वेटिंग हॉल में बड़ी खामियां मिली हैं। इसमें यात्रियों से निर्धारित 10 रुपए की बजाय सोफे पर बैठने और खाने के नाम पर अलग अलग शुल्क लिया जा रहा था। इसके बाद रेलवे ने इसे चलाने वाली कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया और 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ओम शांति ओम गर्ल दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म छपाक की दिल्ली में शूटिंग कर रही हैं। हाल ही में इस फिल्म के पहले पोस्टर को रिलीज किया गया था, जिसमें दीपिका का फर्स्ट लुक नजर आया था। अब फिल्म के सेट से एक तस्वीर लीक हुई है, जिसमें दीपिका का एक और लुक देखा जा सकता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को 4 महीने बाद कोच मिल ही गया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी ग्राहम रेड को टीम का कोच बनाया गया है। हरेन सिंह को पिछले साल दिसंबर में हटा दिया गया था, उसके बाद से टीम के पास कोच नहीं था। रेड का कार्यकाल अगले साल के अंत तक होगा। तो ये थी आज दिन भर की मुख्य खबरें। कल की खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।